आइए जानते हैं डिप्लोमा आफ्टर 10th। 10वीं पास करने के बाद ज़्यादातर छात्र जहां आगे की पढ़ाई जारी रखते हैं, तो कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो करियर की दिशा में आगे बढ़ते हैं। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो अपने पैरों पर खड़े हों और अपना खर्च खुद उठाएं। अगर आप भी उन्हीं छात्रों में से एक हैं तो जल्द से जल्द नौकरी करना चाहते हैं। डिप्लोमा कोर्स के जरिए आप अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही नहीं बल्कि सरकारी क्षेत्र में भी आपको नौकरी आसानी से मिल जाएगी। अगर डिप्लोमा कोर्स की बात करें तो उनमें डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स, एनिमेशन, डिज़ाइनिंग, प्रोग्रामिंग, ग्राफिक्स, विजुअलाइजेशन जैसे क्षेत्र में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो फाइन आर्ट्स चुन सकते हैं। 10वीं कक्षा के बाद 5 साल का फाइन आर्ट्स का डिप्लोमा कोर्स है। अगर आप क्रिएटिव हैं तो ये कोर्स आपके लिए ही बना है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग बनने का ख्वाब देखते हैं तो 10वीं पास करने के बाद उन सपनों को साकार किया जा सकता है। कई सारे संस्थान और पॉलिटेक्निक कॉलेज ऐसे हैं जो 10वीं के बाद इंजीनियरिंग डिप्लोमा करवाते हैं। इनको करने के बाद आपको इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े मिडिल से लेवल के जॉब आसानी से मिल सकते हैं। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मेडिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन फायर इंजीनियरिंग शामिल है। डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी, देश में बहुत से ऐसे संस्थान हैं जो स्टेनोग्राफी में डिप्लोमा करवाते हैं, जिसे कहते हैं ही बैंक, शिक्षा, कोर्ट के साथ साथ कई और क्षेत्रों में नौकरी के अवसर आपके लिए खुल जाएंगे। हर सरकारी विभाग या निजी कंपनियों में ऐसे नौकरियां निकलती रहती हैं जिनके लिए स्टेनोग्राफर की भर्ती की ज़रूरत होती है। ऐसे में ये स्कोप काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर, ये भी एक कलात्मक फील्ड है। इसमें बिल्डिंग के निर्माण, डिजाइन, उसकी संरचना पर काम किया जाता है। जो कोई भी छात्र बेहद क्रिएटिव हो और फिजिक्स और गणित का ज्ञान रखता हो, इस डिप्लोमा कोर्स को करने के बाद करियर की नई उड़ान भर सकता है। डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स विषय में रुचि है और बिजनेस की लाइन में जाना चाहते हैं तो 10वीं के बाद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा किया जा सकता है। इसमें बिजनेस को चलाने के दांव पेच सिखाए जाते हैं। इस डिप्लोमा कोर्स को करने के बाद जहां आप किसी कंपनी में आसानी से नौकरी पा सकते हैं तो वहीं खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। इन सब के अलावा भी 1.5 डिप्लोमा कोर्स हैं जो 10वीं के बाद आपको करियर के नई शिक्षा दे सकते हैं। डिप्लोमा इन गारमेंट टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन लेदर टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन मरीन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन प्रोडक्शन, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ब्यूटी कल्चर, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइन, डिप्लोमा इन अपैरल डिज़ाइन, डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इस कोर्स के लिए 12वीं के बाद 4 साल लगते हैं, वही 10वीं के बाद ये डिप्लोमा कोर्स मात्र 3 साल का होता है। वही डिप्लोमा धारकों को कई सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियां हाथों हाथ नौकरियां भी दे देती हैं।